ये बिहार स्पेशल कंप्लीट करे तो करे कहां से, मतलब 67 का डेट अनाउंस हो चुका है, बिहार दरोगा डेट अनाउंस है, सीडीपीओ का भी डेट अनाउंस है, अब बिहार स्पेशल करे तो कहां से। 30 क्वेश्चन आते हैं भैया बीपीएससी में, दरोगा में भी आते हैं क्वेश्चन, आपको मालूम ही होगा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली ये करे कहां से बहुत ह्यूज पोर्शन है और इसको नजरअंदाज नहीं किया सकता है। आप सभी, मैं जानता हूं कि बिहार स्पेशल के लिए परेशान होंगे, कहीं कहीं से मटेरियल ला रहे होंगे। अब टेक्स्ट बुक की तो सभी जानते हैं, क्राउन है, फिर केबीसी नैनो है, लेकिन मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप पढ़ सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उससे अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं। लेकिन मैं वैसे लोग लेके आया हूं जिनको मोटी किताबें देख के बुखार आ जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं लेके आया हूं। इसके लिए मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि भैया देखिए, एमसीक्यू में ये नहीं है, ये प्रॉपर टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन में है, लेकिन एकदम कंपाइलेशन जो है ना इसका बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल ही कम पेजेस में है। जी हाँ, सिर्फ 90 पेजेस में आप सिर्फ ये 90 पन्ने की किताब बस पढ़ लीजिए, 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने हैं। अब आप बोलोगे सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिसमें 30 में 30 आ जाए, तो भैया वो तो जो एग्जाम सेट कर रहा है वही बता सकता है। हम आपको बस वैसा श्योर शॉट मटेरियल बता सकते हैं जहां से आपके मटेरियल काम आएंगे, एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। तो ये जो बुक है आप इसको पढ़िए और डेफिनेटली ये आएगा। जी हाँ, 90 पन्नों का ये बुक नहीं, इसको एक मैगजीन बोल लीजिए। बेसिकली ये निकाला गया है घटना चक्र के द्वारा, देखिए घटना चक्र के द्वारा ये बुक निकाला गया है, बहुत ही प्यारा सा मैगजीन है। देखिए कितना पतला सा है, कितना पतला सा है, 88 पन्नों का है, मैंने तो यहाँ 90 लिख दिया है, 88 पेजेस का है। मैं दिखा देता हूं, होल्ड ऑन, देखो यहाँ पेजेस का नंबरिंग देखो, दिख गया 88 पेजेस, ठीक है, 88 पन्नों का ये मैगजीन है, बहुत ही प्यारा सा मैगजीन है। आपके अगर नियर बाई शॉप में अवेलेबल है आप ले लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा और पीडीएफ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो कुछ पेड रहेगा बहुत मामूली सा और आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। खैर वो अलग बात है, इस बुक की खासियत क्या है, बुक आपने जान लिया, इसकी खासियत क्या है। अभी मैंने इसका एक ना अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस में एक मैंने ये सिर्फ एक मैपिंग वाला वहां पे पोस्ट करा है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर किस बुक का है, किस बुक का है, तो मैंने बोला चलो इस बुक का एक बार रिव्यू ही कर देते हैं। मैं बेसिकली इस बुक को मैं पढ़ रहा हूं, तो इस बुक का खासियत यह है कि इसमें जो है ना चीजें बहुत ही सॉर्टेड है और कंपाइल्ड है बेहतरीन तरीके से। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है सुन लीजिए, बिहार एक दृष्टि में, ठीक है, मतलब बेसिकली बिहार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। दूसरा बिहार हिस्ट्री, इसमें एसेंट मेडाइवल मॉडर्न तीनों इंक्लूड हो जाता है, ठीक। बिहार ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी कौन सी परियोजना कहाँ है क्या है, इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बजट सर्वे है इसमें, जी हाँ अपडेटेड बजट सर्वे है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था हो गया, बिहार में पर्यटन क्या है कैसे है, बिहार में महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी चल रही है वो दी गई है, बिहार में कला और संस्कृति के बारे में जो बेसिक जानकारी जो एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो यहाँ पे दिया गया है, और विविध है, ठीक है, और समसामयिकी है जो स्टार्टिंग मतलब थोड़ा सा बहुत जो करंट अफेयर्स है इस ईयर का वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज देखिए, यहाँ पे बिहार एक दृष्टि में दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, मैंने इसको पढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा बहुत गंदा आदत है, मैं बुक थोड़ा गंदा करता हूँ और हाईलाइट भी करता रहता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने इस पेज का जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये जो मैप दिख रहा है इसका मैंने पोस्ट डाला है, और बच्चे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर किस बुक से, इसी बुक से मेरे भाई, आप ये बुक ले सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग ये देख लीजिए। इस बुक का दूसरा मैं खासियत बताता हूँ, देखिए है तो ये मतलब बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक है, इसमें कहीं से कोई एमसीक्यू आपको नहीं दिखेगा, देखिए प्रॉपर आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको एमसीक्यू कुछ भी नहीं है इसमें, एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं है, भ्रम में मत रहिएगा एमसीक्यू है नहीं, टेक्स्ट बुक टाइप का है, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से डाटा सिंपल वे में कंपाइल किया गया है और सटीक, जो चाहिए जो आपको चाहिए, आप लोग सोचते हो ढूंढते हो ना कि सर कहीं से किसी का नोट्स मिल जाए बिहार स्पेशल का हम पढ़ ले, इसको नोट समझ लो मेरे भाई, 88 पन्नों का ये मैगजीन है, इसको नोट समझो और डेफिनेटली इसको लेके आओ, आपके बिहार दरोगा हो सीडीपीओ हो 67th में हो, सीडीपीओ और 67th के लिए तो ये रामबाण है, मैं अभी बोलता हूं 67th और सीडीपीओ के लिए रामबाण है, 23 अक्टूबर और 6 फरवरी के लिए रामबाण बुक है बिल्कुल, इसको लेके आइए और इसको डेफिनेटली कंप्लीट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोग के शहर में ये बुक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किनको चाहिए नहीं चाहिए, स्क्रीन पे आपको प्राइस दिख रहा होगा, इस बुक को हमारे द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे और आप मैसेज करिए, आप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि बिहार स्पेशल के लिए आप ये बुक ये मैगजीन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग का पसंद आए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा शेयर करके नया लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।